दरभंगा लोकसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी वर्तमान में दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र के विधायक ललित यादव को महागठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया है। उसके बाद इन्होंने बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ दरभंगा में माँ श्याम मंदिर परिसर में आकर माँ भगवती का पूजा अर्चना की। माँ भगवती से आशीर्वाद लिया कि हमें लोकसभा चुनाव में जीतने का आशीर्वाद दें। इस क्रम में बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित थे। वहीं इस संबंध में जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी, तो आप स्वयं सुन लें। वहीं कई समर्थकों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक वोटों से महागठबंधन के प्रत्याशी जो ललित यादव हैं उनकी होगी जीत। आइए सुनाते हैं उनके समर्थक ने क्या कहा। वहीं इस संबंध में जो लोकसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं ललित यादव, पत्रकार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। से ललित यादव को टिकट मिला है जो सदर के विधायक है, क्या कहेंगे आप? अरे कम से कम 5 लाख वोट से जीतना जा रहा है। क्या कुछ मुद्दा लेके? बहुत बेरोजगारी का मुद्दा है, जो अभी सर हमारे तेजस्वी जी नौकरी दिए हैं उसका मुद्दा है, नौकरी तेजस्वी दिए हैं। क्या कुछ आपको भी लगे? जी नौकरी दिए हैं तेजस्वी जी ही नौकरी देंगे, ये सब मुद्दा है। तमाम मुद्दा को लेकर के मंदिर मुद्दा को घंटा बजाना छोड़ कर यहाँ नौकरी करने बिहार में आ रहे हैं, ये योगी सरकार को बहुत बड़ा तमाचा है, सीखना चाहिए। पकौड़ा पर थोड़े वोट देगा आदमी। अमित शाह के लड़का को BCCI का सचिव बनेगा, रोजगार मिलेगा, बाकी लोग पकौड़ा तलेगा। मुद्दा दरभंगा का बेटा है, दरभंगा का भाई है और 30 साल से दरभंगा में ग्रामीण और बनीगाछी का प्रतिनिधित्व किया और यहाँ का मतदाता मालिक जनता मालिक का पूरा आशीर्वाद है और यहाँ का दरभंगा का सर्वांगीण विकास के लिए। क्या कुछ मुद्दा मेन मुद्दा होगा आपका? चलिए सर्वांगीण विकास में बेरोजगारी, महंगाई, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं, तो दूसरे दिन आपको मुद्दे बताएंगे, गिनाएंगे। दरभंगा का सर्वांगीण विकास।